वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग अपना करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये हमारा आज फोर्थ चैप्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या होता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या, विच इन विच द बॉडी लार्जर मसल मूव इन अ रिदमिक मैनर फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, एरोबिक एक्टिविटी होती है एक नॉन एरोबिक एक्टिविटी होती है। एरोबिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आप जो है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, और वो एक्टिविटी होती है एरोबिकली जिसके अंदर आप अपने लार्जर मसल ग्रुप को जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसका इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो है ना वो इंड्योरेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस गेन हो जाती है, उसके अंदर आपकी ब्रिस्क वॉक आ जाती है, रनिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है और साइकिलिंग आ जाती है, जो कि एरोबिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हैं। अब आपकी आ जाती है मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। क्या होती है वो फिजिकल एक्टिविटी? दैट रिक्वायर्स सम इंक्रीज इन ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट एंड एक्सपेंस 3.5 to 5 कैलोरीज पर मिनट। ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी यूजुअली आप जिम के अंदर जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसमें एक सर्टन आपको जो है ना वो टाइम पीरियड जो है थ्रू ट्रेडमिल आपने कवर करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अब आपने 1 माइल कवर करना है 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी 3 to 4.5 miles। और अगर जब आप ये सारी अपनी जो है वो लेवल मेंटेन रखेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट के अंदर कितनी कैलोरीज आपके सर्टेन टाइम के अंदर बर्न हो रही होती तो ये आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बंदा कहता है मेरा इतना केजी वेट है और मैंने अपना इतना वेट जो है वो रिड्यूस करना है, तो फिर आप बीएमआई वगैरह सारी चीज़ें निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर इस बंदे ने इतनी देर कोई फिज़िकल एक्टिविटी की स्पेशली एरोबिक एक्टिविटी तो वो कितने जल्दी लूज़ कर सकता है और इतने मिनट के अंदर वो कितनी कैलोरीज बर्न कर सकता है। इसी तरह से आपने उस कैलोरीज का हिसाब पूरे हफ्ते का लगा लिया कि उसे एक हफ्ते के अंदर 3000 कैलोरीज या 3500 कैलोरीज चाहिए टू लूज़ 1 kg वेट, तो उसमें आप जो है ना वो पूरा एक प्लान करके आप दे रहे होते हैं। अब आगे आपका विग्रेस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, जो लार्ज आपकी ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी ब्रीथिंग और हार्ट रेट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे देती है। वॉकिंग अगर आप ब्रिस्क स्पीड से करें, चाहे आप वो ट्रेडमिल पे करें या आप डायरेक्टली करें या आप रनिंग करें, जो कि 4.5 माइल पर आवर हो या एटलीस्ट 5 माइल पर आवर हो। आपने देखा होगा ट्रेडमिल्स के नंबर्स होते हैं जिसमें आपकी स्पीड होती है, आप उसको सेटल डाउन कर रहे होते हो, पहले आप 2.5 से स्टार्ट करते हो, 3.5 4.5 पे जा रहे होते हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 5 से ऊपर आपकी स्पीड हो, जिसमें आप रनिंग कर रहे हो, तेज़ वॉक कर रहे हो, तो आपकी क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी रूल इट विल बी द कॉल एज विग्रेस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। What is the relation of cardiovascular system and the exercise? The heart is a muscle that is required to contact continuously. We all know that. और ये ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं आपके ऑर्गन्स को और आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को, और आपके आप ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्लड वेसल्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं हार्ट से और लंग्स से, फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है थ्रू द ब्लड एंड ऑक्सीजन कैन बी एडेड टू द ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन आपके पास आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है, और फिर हार्ट क्या करता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप आउट कर रहा होता है। एक्सरसाइज प्लेज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू पंप मोर ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर लोड आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को पंप आउट कर सके और मसल्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एरोबिक ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन डिमांड है मसल्स की वो क्या हो जाती है, वो आपकी बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है आपकी बॉडी के सेल्स को, और फिर क्या होता है वेस्ट क्रिएट हो रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर विग्रेस एक्सरसाइज करने के बाद आपको मसल क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है जिसकी वजह से फटीग हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड इतनी पूरी नहीं होती, मसल्स अपना ओवरवर्क कर रहा होता है, वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये हार्ट है, हम सबको बचपन से पता है, बहुत पहले से पता है कितने चैम्बर्स होते हैं, वॉल्व कौन कौन से होते हैं, पर्मनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा।
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के मैंने अपनी स्पीड इसलिए थोड़ी सी रखी हुई है, जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए बिकॉज ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी करके आ गए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, हमारे जो मेन कंटेंट्स हैं तकरीबन 3 या 4 चैप्टर्स वो अभी रहते हैं, तो आई विल फोकस मोर ऑन दोज चैप्टर्स क्योंकि ये भी नहीं किए हैं, तो मैं सिर्फ इसको गो थ्रू कर रही हूँ, तो आपने सिर्फ इसको रिवाइज करना है अपनी बुक से। अब है कि फंक्शन क्या है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑब्वियसली इट डिलीवर ऑक्सीजन ताकि मसल्स अपना मैक्सिमम वर्कआउट कर सकते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ सकें, कहाँ पे रिटर्निंग इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा सकें हीट को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्किन, डिलीवर कर सकें न्यूट्रिएंट्स को ताकि फ्यूल टू एक्टिवेट टिश्यू, टिश्यू को फ्यूल मिल जाए और टिश्यूज हमारे के एक्टिवेट हो जाए, और हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये हेल्प कर रहा होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी क्या क्या चीज़ें अडेप्ट कर लेती है, आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम किसकी वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, और क्या रिस्पॉन्स दे रहे होते हो, आपकी हार्ट रेट बेहतर हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, एंड लास्ट आपका जो ब्लड होता है, हार्ट रेट क्या होती है, रेस्टिंग हार्ट रेट एवरेज 60-80 बीट पर मिनट होती है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है, जो सेडेंट्री होते हैं, मिडिल एज होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है 100 से बढ़ जाती है, और अगर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो टैकीकार्डिया हो जाता है। इन लाइट एंड्योरेंस एथलीट हार्ट रेट एज लो एज 28-40 बीट्स पर मिनट, जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस डेवलप हो गई होती है एथलीट की, उनके हार्ट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब हार्ट बहुत पुरसकिन तरीके से अपना काम कर रहा होता है। जितना ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ होती है तो इट इज़ शोइंग कि हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और वो वर्कलोड ज़्यादा है, और हार्ट जो है वो ट्राई कर रहा है मैक्सिमम काम करने का, मैक्सिमम क्या हो जाता है उसका ब्लड पम्प आउट करना पूरी बॉडी में। एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स क्या आता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है बिफोर एक्सरसाइज कॉज बाय द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, और डर रहे होते हो कि पता नहीं क्या होना है, भागना है, कुछ होने वाला है, तो क्या हो जाता है आपका फियर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है इसको ट्रिगर करवा रही होती है। बिफोर एक्सरसाइज इवन बिगिन हार्ट रेट इंक्रीज इन एंटीसिपेशन, खुद ही जो है वो आपका जो हो जाता है, दिस इज़ नोन एज एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स। इट इज़ अ मीडिएटेड थ्रू द रिलीज ऑफ, मैंने अभी आपको बताया, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ग्लैंड से होते हैं, और वो फियर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म, क्योंकि आपका ये स्ट्रेस मैकेनिज्म आ जाता है कि बस अब हमने कुछ करना है, और फिर आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, तो वो सारे आपके जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट, एक बार जो तब जब दिल आपका धड़कता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना वो जितना ब्लड इजेक्यूएट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे इतना इतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और रेस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल का जो है वो बंदा जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 50-70 मिलीलीटर पर बीट, और ड्यूरिंग इंटेंसिटी जब आप कर रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है 110-130 ml बीट। आपने देखा होगा आपको बकायदा ऐसे फील हो रहा होता है कि आपका दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। और ये अदर वैल्यूज़ हैं कि एथलीट के अंदर क्या होती है, एवरेज क्या होती है 90-110, और फिर वो इंक्रीज होती चली जाती है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, कार्डिक आउटपुट होता है इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जितना हार्ट आपका ब्लड पम्प करता है वो आपका कार्डिक आउटपुट कहलाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, फाइदर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज बोथ कार्डिक आउटपुट इंक्रीज ऑल्सो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कार्डिक आउटपुट रिमेन रिलेटिवली अनचेंज और डिक्रीज ओनली स्लाइट फॉलोइंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, आपका कार्डिक आउटपुट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर आपका आ रहा होता है। ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हो तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन के अंदर आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ गया या 2 दिन के अंदर आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, आपको कंटिन्यूसली जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और आखिर में जाके जो ट्रेनिंग का जो आपको इफेक्ट मिल रहा होता है वो किस पे आपके आ रहा होता है, कार्डिक आउटपुट के ऊपर, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा होता है। और उसके अंदर क्या हो रहा होता है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो कार्डिक आउटपुट आपका बढ़ जाता है, लेकिन आपकी जो हार्ट रेट है वो अनचेंज रहती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। ब्लड फ्लो क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, हम सबको पता है कि किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, फिर वो मसल्स और सेल्स तक जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी, और मसल्स वगैरह को देता है, स्केलेटन मसल्स उसको रिसीव करता है,
रेस्ट बात करें तो 15-20% सर्कुलेट हो रहा होता है बॉडी में स्केलेटल मसल्स को, और विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 80-85% ऑफ कार्डिक आउटपुट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। ब्लड प्रेशर क्या होता है एट रेस्ट, टिपिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 110-140 होता है, ठीक है, डायस्टॉलिक आपका 60-90 होता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना क्या हो जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट नोन एज सिस्टॉलिक, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टॉलिक जब रिलीज होता है जब रिलैक्स होता है डायस्टॉलिक कहलाता है, ठीक है। 200 मिलीग्राम HgN इन हाईली ट्रेन एथलीट्स इतना हो जाता है उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, वो लोग क्या हो जाते हैं प्रोन हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल, दोनों सिस्टम आपका सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स और आपका पल्मोनरी रिस्पॉन्स दोनों बहुत अच्छी तरह से काम करें और बेहतर अंदाज में सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपरली हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड योर कार्डिक रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, जिसके अंदर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक रहता है, आपकी हार्ट रेट भी ठीक रहती है, आपका कार्डिक आउटपुट भी बेहतर हो रहा होता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंडिविजुअल आर एबल टू टेक एन ऑक्सीडाइज इट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड टू बी यूज फॉर वर्किंग मसल, वर्किंग मसल के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्यूरेंस जो है उससे इम्प्रूव हो रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू इंक्रीज कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्यूरेंस क्या होता है, ताकि आप वी टू मैक्स को आप इम्प्रूव कर सकें और आपकी बॉडी जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिलीवर कर सके और न्यूट्रिएंट्स सारे सेल्स और टिश्यूज तक, और इसकी वजह से हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का भी रिस्क कम हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी सेटल डाउन रहता है। एरोबिक कैपेसिटी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ताल्लुक है, एरोबिक कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि बॉडी को चाहिए होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है, और ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब आप कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है कितनी अमाउंट आपकी ऑक्सीजन चाहिए होती है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सबको पता है ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, ये एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है थ्रू द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स जो होती है, और उसके अंदर क्या आप देख रहे होते हो कार्डियो रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस देख रहे होते हो और उसमें ये हो रहा होता है कि जो मैक्सिमम एबिलिटी होती है टू रिमूव एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड मैक्सिमाइज कर रहा होता है एबिलिटी को किस चीज़ की, तो रिमूव एंड यूटिलाइज कितनी ऑक्सीजन को रिमूव करना है कितना इस्तेमाल करना है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। एरोबिक एक्टिविटीज़ हमें जो है वो लार्ज मसल्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, अभी आपको मैंने बताया था 5-7 दिन आपको एक हफ्ते में करनी चाहिए, इंटेंसिटी मॉडरेट इक्विवेलेंट टू वॉकिंग एट द पेस ऑफ इतनी पेस से हो तो ड्यूरेशन 30 मिनट होना चाहिए, रनिंग साइकिलिंग ये सारी के सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है वही जो आपकी इंड्योरेंस बढ़ा रही होती है और उसमें आपकी वॉकिंग रनिंग स्विमिंग ये सारी की सारी चीज़ें आप किया जाती है। मॉडरेट इंटेंसिटी का भी आपको बताया है कितनी स्पीड होनी चाहिए, विग्रस का भी मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। दूसरी बात यह है कि मेजरमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस किस तरह से जो है वो मेजर होती है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा टेस्ट होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि कितनी जो है ना स्ट्रेस बर्दाश्त कर पा रहा है, कितनी उस पेशेंट के अंदर जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस जो है वो बढ़ गई है। इंडिविजुअली टिपिकली कनेक्ट हो जाता है रेस्पायरोमीटर से ताकि वो ऑक्सीजन क्या कर सके कंज्यूम कर सके। द हायर द मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, जितनी ज़्यादा कार्डियो रेस्पिरेटरी आपकी जो है वो इंड्योरेंस बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो इतना ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, ठीक है, किसके अंदर लार्जर मसल, लार्जर मसल व्हाट यू कॉल्ड इट एज एन एक्सरसाइजर मसल। जैसे जैसे कैपेसिटी या एबिलिटी आपके एरोबिक की बढ़ेगी द हायर द लेवल ऑफ एरोबिक फिटनेस, तो आपकी एरोबिक फिटनेस भी बढ़ती चली जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है। मैक्सिमम O2 कंजप्शन कब होती है, स्पोर्ट्स फिटनेस या एरोबिक कैपेसिटी या V2 max क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी के अंदर होती है वो कितनी कंज्यूम हो रही होती है और कितनी कंज्यूम होने के बाद वो एनर्जी में चेंज हो रही होती है और ये क्या प्रोसीजर कहलाता है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ये देख रहे होते हैं कि कितना वो उसके अंदर एबिलिटी है वो डिलीवर करने की, ठीक है, आपके सेल्स को और कितनी बॉडी आपकी ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। वर्क रेट अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन अपटेक भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और V2 भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा।
सारी चीज़ें वही बताई हुई हैं। आपने जो याद रखे हुए हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो V2 के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना वो डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन टू मसल, अगर इस सिस्टम में से कोई भी पैथोलॉजी या तो कार्डिक चैम्बर को या रेस्पिरेटरी चैम्बर को है तो वो जो एबिलिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी मसल्स की सिस्टम की वो क्या हो जाती है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए मसल्स को बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, कार्डिक पैथोलॉजी के मरीज़ हो गए, ये लंग्स रिलेटेड कोई आपकी एक्टिविटीज़ हो जाती है, एस्थमा वगैरह, कितना मसल आपका ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से ATP प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कार्ब साइकिल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि डिपेंड कर रही होती है कितनी ऑक्सीजन आ रही होती है, उसकी वजह से एनहांस हो रही होती है डिलीवरी, और ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से एक्सरसाइज इंड्योरेंस बढ़ जाती है। अगर आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, जैसे कि कोई आपको डिजीज़ और एनीमिया प्रोड्यूस फटीक कर सकता है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इफेक्ट योर परफॉर्मेंस, तो ये सारी वो कंडीशन है जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सिस्टमेटिकली कोई कंडीशन ऐसी हो रही तो ये सारी की सारी क्या कर रही होती है आपकी, इफेक्ट कर रही होती है आपकी परफॉर्मेंस को। RQ क्या होता है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन, और कितना मतलब फॉर एग्जांपल कितने लीटर आपने ऑक्सीजन कंज्यूम की और उस लीटर में से कितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो निकाली, तो ये आपका क्या कहलाता है, RQ रेशियो कहलाता है, और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और इसी को आप कहते हो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, RQ रेशियो को। दिस इज इनडायरेक्टली कैलोरी मीटर। द बेनिफिट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज क्या होते हैं, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका हार्ट एंड लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट भी कम हो जाती है, फिटनेस और परफॉर्मेंस आप जो है वो गेन कर लेते हो, किस वजह से, एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से, और उससे क्या हो रहा होता है आपकी कैपेसिटी जो है एरोबिक की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स इंड्योरेंस इंप्रूव हो जाती है, और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस भी आपकी इंप्रूव हो जाती है, हेल्दी बॉडी हो जाती है, आपका वेट वगैरह फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाती है, स्ट्रेस आपके बहुत बेहतर हो जाते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बेहतर हो जाता है, आप फिजिकली अपनी जॉब वगैरह में बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जो है आसानी से उठा सकते हो और उसको कर सकते हो। इससे लोग इतने वीक होते हैं वो कहते हैं हम थोड़ा सा वेट उठाएं थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस नहीं होती, मसल्स आपके टोन अप हो जाते हैं, आप फिजिकली बहुत अच्छे भी दिख रहे होते हो, बाइकिंग वगैरह ट्रेन द हार्ट मसल्स टू ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली, लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होगी जिसमें आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे होते हो, ये बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही होती है। डिजीज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर है अगर आपको, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर भी मतलब इस पर भी आपका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है जिसका कोई कॉज ना हो, इडियोपैथिक हो, सेकेंडरी क्या होती है जो किसी ना किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़ है, व्हाटएवर जो भी है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर ऑन दी अदर हैंड इज़ जनरली साइन ऑफ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो हार्ट डिजीज रिस्क। अगर कोई कहते हैं कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब ये कि उसकी लाइफ बहुत बेहतर चलने वाली है और उसके अंदर जो है वो हार्ट डिजीज़ का रिस्क क्या है बहुत कम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता हो तो फिर क्या हो सकता है, आपकी यही चीज़ रेयरनेस फैक्टर आपके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सिस्टोलिक फेज होता है, डायस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन फेज होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है, स्फिगरोमीटर के थ्रू आप अपना जो है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करवा रहे होते हो, इसकी भी स्टेजेस होती है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता हो आपके पास, अगर कोई पेशेंट आता है 120-140 तक रिपोर्ट करता है तो आप कहते हो कि आपको ब्लड प्रेशर होने वाला है, ठीक है, आपने एहतियात करनी है। लेकिन अगर स्टेज 1 हो जाए तो इतना रहता है, स्टेज 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप किस तरह से कम कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज के ज़रिए आप कम कर सकते हो, उसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। दूसरा पॉइंट है जब आपकी बॉडी से वाटर निकलेगा तो आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आप डाइटरी मॉडिफिकेशन आप अपनी कर सकते हैं जो कि आपको बताई हुई है कि आपने कौन सी लेनी होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल नट्स, आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपकी डाइट बिल्कुल प्रॉपर हो। ये फूड्स वगैरह के बारे में पूरा प्लान बताया गया है। सॉल्ट या सोडियम इनटेक कंट्रोल आपका जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी में आपको होना चाहिए। द लोअर द आपकी कौन कौन सी मशीन होती है
ये सारी मशीन्स की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। साइकिलिंग हो गई है, ट्रेडमिल हो गई है, इलेक्ट्रिकल हो गई है, उसके अलावा आपकी एरोबिक्स एक्सरसाइजेस हो गई है, कार्डियो मशीन, इलेक्ट्रिकल एनर्गोमीटर, स्टेपर्स। कौन कौन सी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज होती है? स्विमिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा जो है कार्डियोवैस्कुलर जो है वो इंड्योरेंस बढ़ रही होती है। फुटबॉल हो गए, फुटबॉल से भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। गोल्फ हो गया, बॉक्सिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, हॉकी, स्काइंग, स्क्वैश, स्ट्रैपर। ये मशीन के अलावा जो जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेडमिल हो गया है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रेडमिल आपका हो गया, रनिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। रिकॉम्बेंट बाइक एक्सरसाइज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर पीपल हु डो नॉट वॉन्ट टू जॉग एंड रन। ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो भागना नहीं चाहते, जॉगिंग नहीं करना चाहते। इलेप्टिकल और क्रॉस ट्रेनर ये हो जाता है जिसमें आप इलेप्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं, सबसे बेहतरीन इसमें इलेप्टिकल अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जो आपके पूरे जो है अपर लिम और लोअर लिम के मसल्स पे काम कर रही होती है। हाउस वर्क और क्लीनिंग, वाइल मोस्ट पीपल वुडंट कॉल दिस अ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, इट सर्टेनली इज़ वन। ये भी एक एक्सरसाइज है। डांसिंग एक्सेलेंट कार्डियो है, आपका जो जुम्बा वगैरह आ जाता है। क्रॉस कंट्री स्काइंग, इलेप्टिकल मशीन, बर्थडे एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स इज मोस्टली परफॉर्म एट अ लो इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग, बहुत देर तक आप चलाते रहो। बेसबॉल हो गए, स्प्रिंटिंग, ये गेम्स वगैरह हो गए जो आपके इन्वॉल्व करते हैं। सॉकर वगैरह हो गए, इसमें बॉल फेंकते हो और उसको कर रहे होते हो। हाउ यू मेजर ब्लड प्रेशर, स्पेगनोमीटर के थ्रू आप ले रहे होते हो। इसमें कफ होता है, मर्करी होता है, वो जा रहा होता है, एयर कंट्रोल वॉल्व होता है, बल्ब होता है, जिसमें आप चेक कर रहे होते हैं आपकी रीडिंग कितनी जा रही है। फ्लेक्सीबिलिटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट टू मूव थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, द एबिलिटी ऑफ अ बैंड टू रिकवर विदाउट इंजरी। मसल स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट होता है। मसल एंड्योरेंस क्या होती है, आपकी मसल्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो रिपीटेडली विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस क्या होती है, थोड़ी सी डेफिनेशन आ रही है जिसको देखना है। द एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज मसल डायनेमिक एक्सरसाइज टू मॉडरेट हाई इंटेंसिटी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कंडीशन फिजिकल इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या करवाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को इम्प्रूव करवाता है। आपके MCQs और BCQs में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो कि आपकी कंडीशन ट्रेनिंग है, प्रैक्टिसिंग एंड एक्टिविटी रेगुलरली आपने करवाना है, वही आपकी ट्रेनिंग कहलाती है। आप ट्रेनिंग करो जिसकी वजह से आपकी कंडीशनिंग बेहतर हो जाती है। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड प्रिंसिपल, द ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है कि बॉडी सिस्टम आपने बना दिए, कितनी इसमें आप फिट प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, वो देखने के बाद अब आप पूरा प्लानिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। फ्रीक्वेंसी आपके नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है, कितनी दफ़ा करना है, हफ्ते में कितने सेशन होना चाहिए, इंटेंसिटी लो है, मॉडरेट है, हाई है, ड्यूरेशन कितना, आधा घंटा, एक घंटा, 30 मिनट्स, कितना। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, ग्रोइंग लार्जर विद रिगार्ड, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं यूजली उनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी बड़ा हुआ होता है कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज उनका हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। एट्रॉफी क्या हो जाती है, जिसमें आपके मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी इन विच द लार्जर मसल ऑफ द बॉडी मूव इन अ रिदमिक मैनर, ये सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी को आप इंड्योरेंस एक्टिविटी भी कहते हो, जिसकी वजह से आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बहुत बेहतर हो जाता है और उसके अंदर आपकी ब्रिस्क वॉक, रनिंग, स्विमिंग, बाइसाइकिल, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ होती है, वेर योर बॉडी डिमांड फॉर ऑक्सीजन एक्सीड ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल। इसकी एग्जांपल्स हो गई रनिंग हो गई, बाइकिंग हो गई, जंपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर